हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगी आप सही सलामत होंगे। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम जानेंगे संबल कार्ड किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जाएंगे हम अपनी पीसी पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे। गूगल पे टाइप करेंगे संबल 2.0 डालने के बाद हम यहां पर जो फर्स्ट जो साइट आएगी हम उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं sambal.mp.government.in। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर संबल का पूरा डैशबोर्ड आ चुका है। अब हम यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर पंजीयन हेतु आवेदन करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहां पर पंजीयन हेतु आवेदन पर क्लिक करेंगे। यहाँ डालेंगे हम समग्र आईडी नंबर और यहाँ डालेंगे हम अपना परिवार आईडी नंबर। उसके बाद हमें डालना होगा अपना कैप्चर कोड, और कैप्चर कोड डालने के बाद हम यहाँ पर समग्र की खोज पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं यहाँ पर डालना होगा अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पर मोबाइल फिर से पुष्टि करेंगे, और उसके बाद कैप्चर कोड डालने के बाद हमें यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर मोबाइल अपडेट फॉर समक के लिए यहाँ पर येस या नो आएंगे। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए येस करेंगे। येस करने के बाद एक अपने मोबाइल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो हमने यहाँ पर डाला हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी डालने के बाद हमें यहाँ पर कैप्चर कोड डालना होगा, और कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ डालेंगे हम अपना आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ डालेंगे हम कैप्चर कोड, और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आगे आ चुके हैं। हमारे यहाँ पर आधार कार्ड और समग्र आईडी में पूरी डिटेल मैच करेंगे, और यहाँ पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पर कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी पूरी डिटेल आ चुकी है। इन पूरी डिटेल हमारा फ़ोटो, नेम, जेंडर और मोबाइल नंबर और हमारा एज, पूरी डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। अगर कोई भी हमें करेक्शन करना है तो हम वो करेंगे। और उसके बाद हमें यहां पर आवेदन का प्रकार करना पड़ेगा कि आवेदक किस श्रम में आता है। तो हमें असंगठित श्रम में आता है, और यहां पर शिक्षा देखेंगे हम किसने स्नातक किया है या हायर सेकेंडरी करें। तो यहां पर हम जो है वो करते थे। उसके बाद हमें यहां पर जो निवेदक है उसका व्यवसाय चुनेंगे कि वो कृषि के क्षेत्र में है या पशुपालन विभाग के क्षेत्र में, वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी असंगठित क्षेत्र है उसमें। तो हम यहाँ पर कृषि विभाग में चुनेंगे, यहाँ पर ये नो करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर चुनेंगे हम कि नहीं, और यहाँ पर नो करने के बाद हमारी पूरी डिटेल आ चुकी है। डिटेल की हम यहाँ पर तीनों पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आवेदक के लिए नेक्स्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा समय लेगा, और यहाँ पर हमारा आवेदक हो चुका है। तो हम अपना आवेदन कर चुके हैं। आप यहाँ पर आवेदन को कॉपी कर लीजिए, या किसी कॉपी करने के बाद यहाँ अपने मोबाइल पर भी OTP सेंड कर दिया जाता है। तो ये पर बन चुका है अपना हमारा संबल कार्ड, और हम यहाँ पर संबल कार्ड को हम अपनी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर हमें डालना होगा अपना समग्र आईडी नंबर, और उसके बाद यहाँ पर आवेदक नंबर जो हमें आया था उसको डालने के बाद हम यहाँ पर सर्च करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी यह पूरी डिटेल आ चुकी है कि हमने अप्लाई किया, अभी हमारा अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।